हमें दिखाया जाता है वकांडा का जंगल, और वहाँ पर ब्लैक पैंथर जो कि वकांडा के स्टूडेंट को कुछ सिखा रहा था कि तभी वहाँ पर एक राइनो आ जाता है। उस राइनो से ब्लैक पैंथर एंड स्टूडेंट जैसे जैसे अपने आप को बचा लेते हैं, पर तभी ब्लैक पैंथर ये देख लेता है कि राइनो जहाँ से आया है वहाँ पर एक पोर्टल बना हुआ है। जैसे ही ब्लैक पैंथर उस पोर्टल के पास आता है, ब्लैक पैंथर को ये एहसास हो जाता है कि उस पार कुछ तो अजीब हो रहा है। पर जैसे ही ब्लैक पैंथर उस पार आ जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसके आसपास जो भी था वो सब कुछ रेड हो चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात ठीक उसके सर के ऊपर थी, और वो कोई और नहीं बल्कि दूसरी पृथ्वी थी, जो कि वो पृथ्वी इस पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आ रही थी। ब्लैक पैंथर कुछ करता कि तभी दूसरी पृथ्वी के लोग उसके सामने आ जाते हैं, और उनमें से एक लेडी का नाम ब्लैक स्वैन होता है, और ये ब्लैक स्वैन उनकी लीडर होती है। ब्लैक स्वैन कहती है ब्लैक पैंथर से, ये सब कुछ तुम जो देख रहे हो इसे इंकर्जन कहते हैं, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो दोनों पृथ्वी आपस में टकराकर नष्ट हो जाएंगी, इसीलिए ब्लैक स्वैन एक पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आई। ब्लैक पैंथर उससे कहता है कि मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही ब्लैक स्वैन के लोग ब्लैक पैंथर पे फायर करने लगते हैं। ब्लैक पैंथर जैसे जैसे अपने साथियों को वहां से निकाल ले आता है, और वापस जाकर ब्लैक स्वैन एंड उसके साथियों पर अटैक करने लगता है। इस लड़ाई में ब्लैक स्वैन का वेपन गलती से चल जाता है, और जिस पृथ्वी से ब्लैक स्वैन आई थी वो पृथ्वी ब्लैक पैंथर के आंखों के सामने नष्ट हो जाती है, और अचानक ब्लैक पैंथर के आसपास की चीजें नॉर्मल हो जाती है। और ये सब देखने के बाद ब्लैक पैंथर समझ जाता है कि परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, और इसीलिए ब्लैक पैंथर अपने साथी इल्यूमिनेटियों को बुलाता है। इल्यूमिनेटी दरअसल सुपर हीरोज का ग्रुप है, उन्हें वकांडा में बुलाकर ब्लैक पैंथर उन्हें सब कुछ बताता है, और ब्लैक पैंथर की बात सुनकर मिस्टर फैंटास्टिक ब्लैक स्वैन से मिलने को जाता है, जिसे ब्लैक पैंथर ने वकांडा में ही पकड़ के रखा था। मिस्टर फैंटास्टिक उससे पूछता है कि आखिर ये जो कुछ हुआ वो क्या था। फिर ब्लैक स्वैन उससे कहती है कि दरअसल ये इंकर्जन जो कि किसी बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्लैक स्वैन उससे कहती है इस पूरी मल्टीवर्स में कई तरह की यूनिवर्स है, और हर एक यूनिवर्स में एक एक पृथ्वी एग्जिस्ट करती है। ये सारी पृथ्वी एक दूसरे का बैलेंस संभाले रखती है। कुछ साल पहले अचानक इन सारी पृथ्वी में से एक पृथ्वी नष्ट हो गई, और इसी वजह से इन सारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया, और इसीलिए ये सारी पृथ्वी एक दूसरे के पास आकर डिस्ट्रॉय हो जा रही है, और हाँ इसी को इंकर्जन कहते हैं। ब्लैकस्टोन कहती है भले ही तुमने एक पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब से कुछ समय बाद और एक और इंकर्जन होगा, इस तरह से जब तक ये पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाती तब तक तुम्हें इंकर्जन का सामना करना होगा।